नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के जनपद फरीदाबाद निवासी एक बस ड्राइवर ने अल्ट्राटेक सीमेंट के डीलर की शिकायत सीएम विंडो पर की है। फरीदाबाद में मकान बना रहे एक स्कूल बस ड्राइवर ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के डीलर के खिलाफ सीएम विंडो पर शिकायत की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने अल्ट्राटेक कंपनी के नाम पर घटिया सीमेंट थमा दी। बार बार कहीं जाने पर भी उसकी सुनवाई जब नहीं हुई तो उसने इस मामले की शिकायत सीएम विंडो पर की है और इस मामले की शिकायत वह अब पुलिस को करने की बात कह रहा है। शिकायतकर्ता की माने तो उसे सीमेंट काबिल भी नहीं दिया गया। इस मकान का निर्माण कर रहे राजमिस्त्री मनोज की माने तो जो पहले 50 कट्टे सीमेंट के आए थे वह बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बाद में जो 100 कट्टे भेजे गए हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। मनोज की माने तो यह सीमेंट नीचे से काला और ऊपर से सफेद है, जो दीवार पर पकड़ ही नहीं कर रहा है। समस्या ये हुई है, अल्ट्राटेक के मैंने 150 कट्टे मंगाए जो कि नकली सीमेंट मेरे को दे दी और मेरी चिनाई भी हुई है, कई दिन काम भी बंद रहे और दीवार बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। उसको चिनाई करे, तराई करे तो प्रेशर नीचे आ जाए, सीमेंट नीचे आ जाए। इससे पहले भी कट्टे मंगवाए थे? इससे पहले भी 50 कट्टे मंगवाए थे, उसमें भी ऐसी दली पली सी निकली। कहाँ से आए कट्टे? ये राजीव कॉलोनी से आए। डीलर है कोई? डीलर है। कौन सी कंपनी के हैं ये सीमेंट? कंपनी को सप्लायर है। कौन सी कंपनी की सीमेंट है ये? अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो इसकी कोई कंप्लेंट करी है फिर? किस कंप्लेंट करी थी, कंपनी वाले आए, दो दिन आए लेकिन चेक कर करके चले गए। हमें ना कोई जवाब दिया और ना कुछ कहा उन्होंने, ना हमें लिख के दे गए कुछ। मैंने उनसे बोला था मेरे सेटरिंग का काम है, लेंटर का काम है, बाल कल को लेंटर गिर गया तो कौन जवाब देगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डीलर से बात हुई है इसको लेकर? डीलर से बात हुई, डीलर कंपनी वाले इनको भी लेकर आए, पता नहीं कंपनी वाले थे या कोई और कोई थे, ना उन्होंने या कोई सैंपल भरा ना कुछ भरा। और अब ट्रैक्टर वाले लेने आए सीमेंट को तो वो वापसी निकल गए। किस लिए लेने आए थे इसको? ये खराब माल की वजह से लेने आए थे। बदलने काम कर रहे मिस्त्री गिरी। इसमें सर जो पहले कट्टे आए थे वो सही थे, पर जो अब कट्टे आए तो वो पकड़ ना कर रहे, भूरा भूरा दिखाई दे रहा है। नीचे का काला है सही, ऊपर का भूरा लग रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित रावल कॉन्वेंट स्कूल ने धारा 124A के तहत विद्यार्थियों को स्कूल से भगा दिया, जहां अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। जिला शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कौर के कार्यालय पर नारेबाजी कर घेराव करते हुए दिखाई दे रहे यह सभी अभिभावक निजी स्कूल की मनमानी से परेशान हैं। इनका आरोप है कि उन्होंने धारा 134A के तहत अपने बच्चों का एडमिशन रावल कॉन्वेंट स्कूल में कराया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने 7 दिन बाद उनके बच्चों को स्कूल से भगा दिया और प्रिंसिपल ने भी मिलने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए ड्रेस, किताबें और अन्य जरूरत का सामान भी खरीद कर बच्चों को दिलाया है और अब स्कूल प्रबंधन की मनमानी के चलते बच्चों को स्कूल से भगा दिया गया है। साथ ही धमकी दी है कि आप शिक्षा अधिकारी से बात कीजिए, लेकिन जब हम यहाँ शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पहुँचे तो उनको यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं मिला और गर्मी के मौसम में वह यहाँ पर करीब 4 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनसे मिलने को तैयार नहीं है। मेरा नाम नवीन माधव है जी, मेरे बेटे का नाम माधव माधव है। हमने हरियाणा सरकार के 134A के तहत जो फ्री स्कूल एजुकेशन होती है प्राइवेट स्कूल में, उसके तहत हमने फॉर्म भरा था अपने बच्चों का। हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, सारे कागजात हमने जमा किए स्कूल में। मेरे बेटे का रावल कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हुआ, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस था, उसमें उसको अलॉटमेंट किया गया स्कूल रावल कॉन्वेंट स्कूल। स्कूल में मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, स्कूल बच्चा जाना स्टार्ट हुआ, स्कूल की यूनिफॉर्म मैंने उसको बच्चे को लेके दी, अपने सारे बुक्स भी लेके दिए। आज बच्चे को 4 दिन स्कूल जाते हुए हो गए और चौथे दिन पांचवे दिन जाके मेरे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और हमें कॉल की गई कि अपने बेटे को आके घर ले जाइए। हमने उनसे रीज़न पूछा, उन्होंने कोई रीज़न हमें नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आप जाके डी ऑफिस में संपर्क करें। हमने बोला कि हमें प्रिंसिपल मैम से मिलाया जाए, प्रिंसिपल मैम भी वहाँ पर एबसेंट थी। वो कहते कि मैडम मीटिंग में गई हुई है। हमने कहा हम वेट कर लेंगे, कह रहे उनका आने का कोई टाइम नहीं है।
अब हम यहाँ पे डी ऑफिस में आए, हमने आपकी पूरी यहाँ पे कंप्लेंट करी, मगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीओ मैडम ही नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। डीओ मैडम भी अपनी सीट पे नहीं है। कितने घंटे हो गए आपके यहाँ? हमें यहाँ पर सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं, ना कोई यहाँ पे पीने का पानी है किसी के लिए। सारी सभी के माता पिता परेशान हो रहे हैं, किसी से हमें कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लोग आए हुए टोटल यहाँ पर? तकरीबन 150 से 200 लोग आए हुए यहाँ पे। और क्या क्या किया? गेट बंद किया, क्या किया? हमने यहाँ पर गेट बंद करी है और हमने यहाँ पर सब अपनी कंप्लेंट बताई कि हमें ये दिक्कत है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और डीओ मैडम भी सुबह से एब्सेंट है, उनका आने का कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं बताया जा रहा। जनपद शामली के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित बैंड मार्केट में स्थित कबाड़ी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शामली जनपद में एक बंद पड़े मकान में लाइव आग की वारदात सामने आई है। मकान में रखे भारी मात्रा में पुराने कपड़ों का ढेर धूं धूं कर जल गया। इसके अलावा मकान में मौजूद कीमती सामान भी आग की चपेट में आने से खाक हो गया। आग किस कारण से लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गनीमत यह रही कि आग के दौरान मकान मालकिन किसी जरूरी काम से बाहर गई थी, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने फोन कर पीड़िता को दी और साथ ही साथ इस मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की वारदात का यह पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला बैंड मार्केट का है, जहां पर शीला नाम की एक महिला पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर व्यापार करती है और पीड़ित शीला ने अपने घर में पुराने कपड़ों की बड़ी तादाद में ढेर लगाया हुआ था। कपड़ों का यह ढेर भी मकान में आग लगने से जलकर राख हो गया। शीला के मकान में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और जिन कारणों से आग लगी उसकी जाँच की जा रही है। 100 नंबर पे कॉल सूचना मिली थी कि एक मकान में आग लगी हुई है, तो हमने बैक कॉल करी तो उसने बताया कि मार्केट में बंद मकान है और उसमें आग लगी हुई है। जब हम यहाँ पे आए देखा हमने तो कम आग थी, तो इतना हमारी गाड़ियाँ आई इतने फुल आग हो चुकी थी, मतलब सर पूरे मकान में आग फैल गई थी, ऊपर तक लपटे आ रही थी। और आस पड़ोस के आदमी बुझाने की कोशिश करती थी, हमने दरवाज़ा तोड़ा के और हमारी गाड़ी यही फाल की, फिर हमने आग बुझाई। अच्छा, आग काबू में आ गई है, नॉर्मल स्थिति है, नुकसान कुछ नहीं है। जनपद जालौन के मदारी पोस्ट ऑफिस पर तैनात पोस्ट मास्टर पर लोगों ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जनपद जालौन के मदारीपुर डाकघर में तैनात पोस्ट मास्टर अनिल कुमार सक्सेना ग्राहकों के साथ गाली गलौज करते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से मदारीपुर पोस्ट मास्टर अनिल कुमार सक्सेना के द्वारा सामने आया है, जहां ग्राहकों से अभद्रता व गाली गलौज की गई है। दरअसल यह पूरा मामला कुठौंद थाना क्षेत्र के मदारीपुर डाकघर का है। मदारीपुर का यह डाकघर जालौन में सबसे पीछे इसलिए है क्योंकि पोस्ट मास्टर अनिल कुमार सक्सेना की भाषा शैली खराब है और ग्राहकों से आए दिन अभद्र व्यवहार किया जाता है। वहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनिल कुमार सक्सेना अपने भाई को पत्रकार बताकर ग्राहकों को धमकी तक देते हैं। मैं मदारीपुर पोस्ट ऑफिस में एक रजिस्ट्री करने के लिए गया, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो सभी वहां के पोस्ट ऑफिस के सारे ही लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि सर नमस्कार, मुझे रजिस्ट्री कराना है। उसके बाद बोले कि यहाँ रजिस्ट्री नहीं होगी, या तो कुठौंद जाइए या हदरुक जाइए। फिर मैं कुठौंद भी गया तो वहाँ कहा कि वो लोग आपको गुमराही करते हैं। मैंने आके दोबारा पूछा कि आप लोग हम क्यों गुमराही करते हो, तो इसी हिसाब से कहने लगा कि आप हैं कौन, आप ज़्यादा बड़े वो हैं। इसी के हिसाब से रजिस्ट्री के मना कर दिया। मना करने के बाद कह दिया कि जो तुम्हें कुछ करना है कर लीजिए, हमारा ना डीएम ना एसपी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वो मेरे ऊपर बदतमीजी करने लगे, मेरा मोबाइल को तोड़ने लगे, ज़बरदस्ती कहने लगे कि अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपके ऊपर हम लूट का मुकदमा लिखा देंगे। यही धमकी देते हुए फिर वहाँ और लोग आने के बाद में मामले शांत कराए गए। जनपद मुजफ्फरनगर के जौनसर क्षेत्र स्थित गांव कबाल में सड़क पार करते समय एक युवक को ट्रक ने कुचल डाला, जिसमें युवक की मौत हो गई। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कबाल में सड़क पार कर रहे एक वृद्ध को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रक के चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल गांव कबाल निवासी धर्मपाल पुत्र हरकेश के पास उसका एक रिश्तेदार थाना मवाना गाँव कोल निवासी चरण सिंह पुत्र फूल सिंह 55 वर्षीय पिछले 4-5 वर्ष से रह रहा था। मंगलवार की सुबह चरण सिंह गांव के बाहर सड़क पर घूमने के लिए आया हुआ था, जब वह गांव राठौर चौराहे
को पार कर रहा था, उसी दौरान जानसठ की ओर से तेजी से आ रहे ट्रक ने अनियंत्रित होकर वृद्ध को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गांव में मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी व एसआई सुदेश राज ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के रिश्तेदार धर्मपाल ने ट्रक चालक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। दुर्घटना के बाद मौके से भागे ट्रक को सिखेड़ा पुलिस ने ट्रक सहित हिरासत में ले लिया। जनपद जालौन की नगरपालिका जंग का अखाड़ा उस वक्त बन गई जब दो लोगों के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच हुई मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जनपद जालौन का नगरपालिका कार्यालय अखाड़ा बन गया, जहां ऑफिस के अंदर दो कर्मचारियों में जूत पत्रम हुआ। जालौन की नगरपालिका परिषद के स्थानीय कार्यालय परिसर में दुकानदार द्वारा नगरपालिका में घुसकर कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी गई। मारपीट का यह वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों ने कोतवाली पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नगरपालिका परिषद के स्थानीय कार्यालय परिसर में धर्मेंद्र यादव व नगरपालिका कर्मचारी ब्रजेश कुमार के बीच विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। वायरल हुए वीडियो में धर्मेंद्र यादव नगरपालिका कर्मचारी ब्रजेश कुमार को जमीन पर पटक कर मारते दिख रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद दुकानदार धर्मेंद्र यादव पुत्र नरेंद्र यादव निवासी कछोरन ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर नगरपालिका कर्मचारी ब्रजेश कुमार व हेमंत कुमार के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। रंगबाजी को लेकर हुए विवाद में घायल ब्रजेश कुमार ने भी पुलिस को शिकायती पत्र देकर धर्मेंद्र यादव पर रंगबाजी को लेकर गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। वहीं कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों की शिकायतें मिली हैं, जांच की जा रही है, जो भी सही होगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जनपद जालौन में मौसम ने करवट ली और बारिश ने लोगों को राहत की सांस दी। वहीं गेहूं क्रय केंद्रों पर रखा गेहूं बारिश के कारण भीग गया। जनपद जालौन में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां खरीद केंद्रों पर खरीदा जा रहा गेहूं थोड़ी सी बारिश में ही गीला हो गया। इस बारिश के कारण खरीद केंद्रों पर खुले में ही रखी गेहूं की सैकड़ों बोरी गीली हो गई। इसके बावजूद भी प्रशासन ने गेहूं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यह हाल जालौन की कोंच मंडी स्थित यूपी एग्रो और पीसीयू क्रय केंद्र का है, जहां पानी के कारण यहां रखी सैकड़ों बोरी पानी बरसने के कारण गीली हो गई। वहीं अपना गेहूं बचाने आए किसानों का भी गेहूं गीला हो गया, क्योंकि यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इस बारिश से किसानों का नुकसान तो हुआ ही है, इसके अलावा जो गेहूं गीला हुआ है उसे केंद्र प्रभारी द्वारा गीला ही भराया जा रहा है, जबकि खरीद से पहले किसानों का गेहूं यह देख कर लिया जाता है कि वह गीला और साफ है या नहीं। इस बड़ी लापरवाही से साफ हो गया है कि क्रय केंद्र प्रभारी सरकार की बात को अनदेखी कर देते हैं। वहीं अपना गेहूं बेचने आए किसानों का कहना है कि यहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनका गेहूं गीला हुआ है। वहीं केंद्र प्रभारी अपना ठीकरा मंडी अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं। क्रय केंद्र प्रभारी का कहना है कि उन्हें कोई समुचित व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे यह हुआ है। सवेरे भाई आज मत थोड़ा सा गीला होगा, जो नहीं व्यवस्था देखा है, नंबर नहीं लगा साहब इसके लिए, फोन करके पूछ लेते बाबूजी से। पूर्व से ही नीलामी चल रही है, और दुकानों के सामने बरामदे भी सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को पूर्व से ही कई बार यह समय समय कहा जाता रहा है कि जो भी क्रय गेहूँ है उन निर्धारित नीलामी चबूतरे या बरामदा में उसके सामने तीन सेट बने हुए के नीचे ही रखें, खुले में बिल्कुल नहीं। मंडी में ही पूर्व से ही नीलामी चबूतरे निर्मित हैं, दुकानों के सामने तीन सेट निर्मित हैं जहाँ संचालित हो रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में वहाँ रखने की पूर्ण व्यवस्था है और उसके नीलामी चबूतरे भी प्रभारी इनको सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए। क्रय केंद्र प्रभारी उसको सुखा कर उसको अपना उसकी नीति सुनिश्चित करेंगे। ये मंडी द्वारा कोई इंतजाम नहीं कराया गया, इसको हम सुखा के तब डिलीवरी करवाएंगे। वो तो पहले के रखे, उसमें कोई गेहूँ खराब नहीं होएगा। 15-20 मिनट बरसात हुई है, उससे कोई नहीं हो। ये तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ मंडी समिति ही द्वारा ये व्यवस्था होना चाहिए। हम लोगों को जो हाथ मंडी जगह देगी वहीं हम लोग टिक पाएंगे। अभी हमारे 10,000 एमटी का लक्ष्य है। अभी कितनी हो गई है? हमारी 558 क्विंटल जो अभी गेहूं रखा है, कितना गीला हुआ है? ये हमारा 200 क्विंटल लगभग गीला हुआ।
जनपद बागपत के सरूरपुर में 7 वर्षीय मासूम के चौखट पर लटके शव के मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मासूम के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। बागपत में जिस मासूम का शव घर की चौखट पर लटका मिला था और उसका शव बिना पीएम के दफना दिया गया था, इस मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने मासूम छात्र के शव को कब्र से निकलवा दिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीती रात कोतवाली बागपत क्षेत्र के सरूरपुर गाँव में घर की चौखट पर 7 साल के मासूम दीपांशु का शव लटका मिला था। परिजनों ने मासूम द्वारा आत्महत्या करना बताया था, लेकिन सवाल था कि पहली क्लास का मासूम कैसे सुसाइड कर सकता है, वो भी फांसी लगाकर। प्रथम दृष्टया मामला लग रहा था कि मासूम की हत्या कर शव को लटकाया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और परिजनों ने मासूम के शव को दफना कर अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में आया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जेसीबी की मदद से कब्र से शव बाहर निकलवाया। मासूम के शव को प्रशासनिक अधिकारी की मदद से बाहर निकाला गया। अधिकारियों की माने तो शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसी से स्पष्ट होगा कि मासूम ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या कर शव को लटकाया गया है। इसके बाद तफ्तीश होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरूरपुरा गाँव सरूरपुर कला गाँव के ईश्वर का लड़का दीपांशु, जिसकी बॉडी कल उसके ही घर के ऊपरी कमरे पर लटकी हुई पाई गई थी। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, दफन कर दिया था। शिकायत मिलने पर आज बॉडी को निकलवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, क्या बच्चे की हत्या हुई है? पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि बच्चे की डेथ कैसे हुई। जनपद मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ में एक युवक का शव आज नाले में पड़ा मिला तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या कर नाले में शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दरअसल थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के ओर नाले में आज सुबह एक शव पड़ा देखा गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को नाले से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उड़न नाले के अंदर पहले भी कई शव पड़े मिल चुके हैं। अज्ञात शव की अभी तक पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई है। शव की स्थिति देखकर प्रतीत होता है कि शव 24 घंटे पुराना है। मौत के कारणों का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। पुलिस का कहना है कि शव की पहचान कर हत्या के कारणों का जल्द पता लगाया जाएगा। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाले में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी की भी पहचान नहीं की जा सकी है। युवक लगभग 25 से 30 साल के बीच की आयु वर्ग का है और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस भेजी जा रही है। पहचान होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनपद मेरठ में दहेज लोभी ससुरालियों से परेशान विवाहिता दर दर भटकने को मजबूर है, जहां विवाहिता को ना तो ससुराल से इंसाफ मिल रहा है और ना ही पुलिस विभाग से। मेरठ में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां विवाहिता से पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर राजस्थान का टिकट मांगा। दरअसल मेरठ की विवाहिता का अपने पति से विवाद चल रहा था। शादी में कम सामान लाने पर ससुराल वाले खुश नहीं थे, लेकिन आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने बताया कि ना तो ससुराल से इंसाफ मिल रहा है और ना ही पुलिस से। आखिर पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह पीड़िता दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई तो पुलिस ने महिला से राजस्थान जाने के लिए टिकट मांगा। आपको बता दें कि मेरठ में पुलिस के सामने महिलाओं की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन दहेज जो भी पति के खिलाफ पुलिस भी उन्हीं के जैसा व्यवहार कर रही है। दरअसल महिला ने दिल्ली गेट पुलिस से पति के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने महिला से राजस्थान दबिश देने के बदले टिकट मांगा। महिला का कहना है कि वह चाहे तो कहां जाए, ससुराल में सुनवाई ना ही हो रही है और ना ही पुलिस विभाग उसकी कोई सुन रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति शादी के बाद सऊदी चला गया था और जैसे ही वह सऊदी से घर लौटा तभी से महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। महिला ने दिल्ली गेट थाना पुलिस को पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को पकड़कर लाने के एवज में उससे प्लेन का टिकट मांग डाला। पूरा मामला ये है कि मेरी शादी राजस्थान में हुई थी 2015 में और उसके बाद से ही मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान किया गया था।
विदाई के बाद ही उन लोगों ने कह दिया था विदाई जब होगी जब आप पैसे दोगे, तो 1 लाख का चेक उन्हें दिया गया था, उसके बाद उन्होंने विदाई करी थी और उसके बाद से ही मुझे दहेज के लिए परेशान किया गया था। लड़का तो सऊदी जाके बैठ गया था, आज तक परमानेंट वीजा पे लेके नहीं गया था। माँ बाप मुझ पर टॉर्चर करते थे, बहन मुझ पर टॉर्चर करती थी, मैं अपने घर भी आके कई बार कहा, घर पे कहा तो उन लोगों ने उनसे बात करी तो वो लोग हर बार माफी मांग के और पैसे लेके चुप हो जाते थे। जाएगा मैंने 100 नंबर पे भी कॉल करके बुलाया था, जब 16 जून को वो लोग आके घर पे मारपीट करी उन लोगों ने और मारा पीटा। पुलिस कह रही है कि हमारा मामला नहीं है, वो बाहर रहता है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, और एक जो आई है वो कह रहे हैं कि मेरी टिकट करा दो मैं चला जाऊंगा। हाँ, उनके अकॉर्डिंग ये है, तो ऐसे अगर मेरे पास पैसे होते तो फिर मैं खुद ही ना पुलिस को खुद ही लेके चले जाती। जनपद मेरठ में दिव्यांग की नाबालिग पुत्री के साथ अपने भाई की हत्या की धमकी देकर दुष्कर्म किया, जहां पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरठ में दिव्यांग की बेटी के साथ दबंग युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ मुकदमा दर्ज, तो नंगे पैर एसएसपी के दरबार में पहुंचे दिव्यांग के परिवार ने शिकायत पत्र दिया। मवाना थाना क्षेत्र का एक परिवार आज एसएसपी ऑफिस पहुंचा और उसने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। थाना मवाना के ग्राम खेड़ा के रहने वाला अनुसूचित जाति का दिव्यांग व्यक्ति है, जिसकी बेटी के साथ गाँव के ही रहने वाले दबंग युवक शुभम पुत्र पोपे ने दिव्यांग की पुत्री नाबालिग 15 वर्ष के साथ रास्ते में आते जाते पिछले करीब 1 वर्ष से युवती को छेड़छाड़ कर परेशान करता है और अश्लील हरकतें भी करता था और युवती को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। नेहा डर की वजह से अपने घर पर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया करती थी, लेकिन आपको बता दें कि 10 मार्च को दबंग शुभम ने जबरन युवती का रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि मैंने तेरे भाई को भी मारने के लिए आदमी बुला रखे हैं, अगर आज तू मेरे साथ हरिद्वार नहीं गई तो शाम तक तेरे भाई को मरवा दूंगा। नेहा डर की वजह से दबंग शुभम के साथ चली गई। जब दिव्यांग को नेहा के गायब होने का पता लगा तो उसने आसपास रिश्तेदारी में जाकर पूछताछ की और पुलिस को सूचना दी। तभी सुबह करीब 5:30 बजे शुभम हरिद्वार में पकड़ा गया, नेहा भी उसी के साथ थी, जिसके बाद घर आने के बाद शुभम ने दबंगई दिखाते हुए नेहा के घर जाकर मारपीट की और कहा कि अगर तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत की तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या करा दूंगा। देखिए अभी एक इसी कार्यालय पर एसएसपी कार्यालय पर एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, अभी शायद थाना स्तर पर ये लोग नहीं गए हैं। इस जो भी महिला संबंधी अपराध है, खासकर नाबालिग बच्चियों के साथ अगर ऐसा कोई अपराध हो रहा है तो उसमें कानून एकदम स्पष्ट है, जैसे ही इस प्रकरण की तहरीर प्राप्त होगी उसमें सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड स्थित दीपचंद मार्केट स्थित एक बंद दुकान में भीषण आग लग गई, जहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के व्यस्तम इलाके भगत सिंह रोड स्थित दीपचंद धर्मशाला की मार्केट में अचानक एक बंद पड़ी दुकान में भीषण आग लग गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद दुकान का शटर तोड़कर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंच सकता था। जहां दमकल अधिकारी आग लगने का कारण धूम्रपान या शॉर्ट सर्किट मान रहे हैं, वहीं दुकान में कबाड़ होने के कारण अधिक नुकसान भी नहीं हुआ। बहरहाल भीषण गर्मी में जनपद मुजफ्फरनगर में आए दिन आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में दमकल अधिकारी ऋषभ पवार ने जानकारी देते हुए बताया, 11:15 के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि दीपचंद धर्मशाला जो कि भगत सिंह रोड पर जो है बनी हुई है, उसमें एक मार्केट के अंदर एक खाली दुकान थी जिसमें कूड़ा कबाड़ भरा हुआ था और वो काफ़ी समय से बंद थी। उसमें अचानक संभवतः धूम्रपान के कारण या शॉर्ट सर्किट, अभी यह जांच का विषय है, एक अचानक से जो है आग की सूचना प्राप्त हुई कि तो तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए एक हमारा फायर टैंकर जो है एक MFE ने जाकर एक लाइन बिछाकर जो है इसमें कार्रवाई करना चालू करा और आग पूर्ण रूप से बुझाकर CFO साहब के नेतृत्व में, मैं स्वयं था, हमारी पूरी यूनिट ने आग पूर्ण रूप से बुझाकर कार्रवाई पूरी करी। नहीं, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई संपत्ति का ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। एक नॉर्मल उसमें कूड़ा कबाड़ भरा हुआ था, समय पूर्वक रहते हुए शीघ्र बढ़िया कार्रवाई करते हुए आग हुए काबू पाया गया।
केरोसिन भीगी महिला मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने पहुंचकर ससुरालियों पर जलाकर मारने के प्रयास का आरोप लगाया। पीड़िता का पति बसपा नेता है, वही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव सिमली निवासी महिला सोनिया पुत्री मंगता दोपहर को मिट्टी के तेल में तरमतर भीगी अवस्था में थाना नई मंडी में पहुंचकर अपने बसपा नेता पति यशवीर पुत्र चंद्रवीर व अपने ससुर सास ननंद व देवर सहित ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर आरोप लगाया कि उसे उसके ससुराल वाले जिंदा जलाकर मारना चाहते हैं। सोनिया के ससुराल जन नवीन मंडी स्थल में रहते हैं, जिसमें सोनिया ने पुलिस के सामने आरोप लगाया है कि उसने अपने मायके से पति की नौकरी के लिए कुछ रुपए लाकर दिए थे, लेकिन जब से उसने तकादा करना शुरू किया तो उसे परेशान किया जाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने विरोध जताया तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा कायम कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के संबंध में महिला के पति यशवीर सिंह तथा उसके परिजनों के साथ साथ मंडी समिति के एक बाबू के खिलाफ भी मुकदमा कायम कराया गया है। पुलिस ने घटना में मुकदमा दर्ज कर आरोपी बसपा नेता यशवीर उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक महिला जिसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला है, उसको स्थानीय थाना टीम ने मेडिकल के लिए भेजा और परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसने फिलहाल अपने ससुरालियों के विरुद्ध बात कही है, अभी उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है, उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला कई नगर में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें महिला एक वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर का है, जहां पर 35 वर्षीय एक महिला गुलशन ने अपने 3 बच्चों सहित जहर खा लिया, जिसमें गुलशन सहित 3 बच्चों की हालत बिगड़ते देख इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से सभी की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया। महिला और उसके 1 वर्षीय बेटे आहत की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मासूम बच्चियों इकरा और अलीबा की हालत भी अभी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज मेरठ के एक अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला गृह कलह के चलते हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले वासियों का यह भी कहना है कि मृतक महिला मानसिक रूप से पीड़ित थी, जिसका काफी समय से इलाज भी चल रहा था। घर में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इतना गंभीर कदम उठाया जिसका कोई ठोस कारण मोहल्ले वासी भी नहीं बता पा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी मामले की जाँच पड़ताल करने की बात कह रहे हैं। ये कल देर रात को सूचना मिली थी कि एक महिला और उसके 3 बच्चे, उन्होंने जहर लिया हुआ है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उनमें से सभी को रेफर किया गया मेरठ के लिए, और बीच रास्ते में ही उसमें से 2 महिला और उसके 1 बच्चा एक्सपायर करके, 2 की कंडीशन क्रिटिकल थी, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और परिजनों से बात करके उसमें तहरीर लेके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण है जहर खाने का? अभी कई प्रकार के कारण सामने आ रहे हैं, जिस कई प्रकार के लोगों से बातचीत की गई है, परिजनों से भी बातचीत चल रही है, जो भी इसमें कारण स्पष्ट होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। बच्चे ठीक ठाक थे, सबसे लड़का वो भैया हमारा देवर जो कमा जा रहा था खाना बनाने, होटल लगा था उस पर 200 रुपए, और वैसे थे लड़की ने आके पड़ोसी को कह के मेरी मम्मी को खून उल्टी लग रही, इस वजह से उन्होंने वो कह दिया। ऐसे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर में कोई कमी नहीं, ना कोई सास धो रहा है, ना ननान धो रहा है, ना कोई जिठानी है, कोई नहीं है, सब कुछ उनके अपने कमाल है। उसने अपनी साली को क्या, सास को क्या, किसके पास आ जाए, उसके दिमाग की हालात ऐसी हो रही है, उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं खुद गई उनके घर पर। ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जो उन्हें जहर खाना पड़ा? उनकी स्थिति उनके दिमाग में कमी थी पहुँचा, उसकी वजह से मैं उनकी ससुराल गई। मगर जी तुम ऐसा है, देखो पाल बच्चेदार, तुम अपनी लड़की का ध्यान अच्छी तरह रख सकते हो, उसकी बहन के पैर पकड़ो, उसकी बहन ने भी जवाब दे दिया, उसकी माँ ने भी जवाब दे दिया, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने तो ब्याज ही ठा दी, उन्होंने हमें ये ब्याज दिए, उसके बाद हमने क्या है कि वो वक्त हो चला हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का।
जनपद शामली के थाना भवन रेलवे स्टेशन से एक प्रेमी जोड़े को पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यह प्रेमी जोड़ा घर से भागने की फिराक में था, जो थाना भवन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर वहां पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना थाना भवन पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना भवन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दोनों ने अपने अपने नाम बेपता सही नहीं बताए। वहीं SI आरती चंद्रा ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही परिजनों से बात कर उनको उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों देखने से तो बालक लग रहे हैं और नाम पता अपना सही बता नहीं पा रहे, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों अपना नाम पता सही बताने के ना कर इन दोनों को थाने ले जाया जा रहा है, पूछताछ कर छोड़ दिया जाएगा। जैसे भी होगा इनके परिजन आ जाएंगे, इनके सुपुर्द दे दिया जाएगा। जनपद बहराइच में एक ताजा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का है, जहां तिलक राम पुत्र कोयली निवासी मटेरा बहादुर सिंह गाय और एक बछिया 12 मई को दिन में करीब 2 बजे घास चरने के लिए छोड़ी गई थी, जो कि गांव के तालाब के पास शाम के समय देखी गई थी, किंतु उसके बाद वही तालाब से गाय और बछिया गायब हो गए। जब गाय बच्चा शाम तक घर पर नहीं पहुंची, तब उन्हें खोजना शुरू किया गया, परंतु उनका कहीं पर पता नहीं लगा। इसके बाद सुबह करीब 7 बजे गांव के पूरब शहादत पुत्र इंसान के बाघ दोदेपुरवा भट्टे के पास में खोजते हुए पहुंचे तो देखा कि बाघ के अंदर गाय और बछिया के सर वह कुछ मांस के अवशेष पड़े हैं। अपनी गाय देखकर वह चौकन्ना हो गया और उसी समय पीड़ित के गांव के लोकऊ पुत्र बाबादीन व मदन ने बताया कि हमारे गांव के कोयली उर्फ अब्दुल बारी व चौगऊ पुत्र कोयली व कमरुद्दीन व फतेह मोहद्दीन पुत्र गण मोहम्मद यार व कुछ अज्ञात व्यक्ति शाम को इन गाय को ले जा रहे थे। पीड़ित का कहना है कि वही लोग हमारी गाय व बच्चा को काटकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना पीड़ित ने स्थानीय थाने पर दी। सूचना पर संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचे, जहां पर गाय के अवशेष व दोनों के सर व हत्या संबंधित आला कत्ल भी पड़े हुए थे, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया। जब मैं वहां गया तो वहां पर दो सिर मिले जो कि काऊ कुजनी के हैं और मांस बरामद हुआ था, मिला था। इसको मांस का परीक्षण करने के लिए जो वेटनरी हॉस्पिटल वेटनरी कॉलेज मथुरा है वहां भेजा गया है कंफर्मेशन के लिए कि किस स्पीसीज का है जी। गाय की क्या संख्या थी? गाय अभी तो वहां पर केवल दो सिर बरामद हुए थे और बाकी तो मांसी है। गाय गए थे, छोड़े थे चलने के लिए 2 बजे के टाइम पे, तो तालाब के पास चल रहे थे तो 4 बजे तक दिखी गाय, उसके बाद में नहीं दिखी, फिर ढूंढना चालू किए तो सुबह 7 बजे के टाइम पे बाग में कटी हुई मिली एक बछिया और एक गाय का सर। तो वहाँ पे 100 नंबर वालों को इतला दिए, फिर थाने से पुलिस वाले गए, फिर उसको लेके आए, पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ, अभी देखो क्या होता है। किसी को जानकारी है? जानकारी है, एक मदन नाम करके आदमी है, मुलबी गांव में रहता है और ये किए सामने बैठे हैं, इन्होंने भी देखा है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के कैराना में खाद्य विभाग अधिकारी की टीम ने मिलावटी आहार बेचने और बनाने को लेकर व्यापारियों की दुकानों पर छापेमारी की। नगर में करीब आधा दर्जन दुकानों पर छापेमारी की गई है। खाद्य विभाग अधिकारियों की टीम को देखकर नगर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कुछ व्यापारी और हलवाई टीम को देखकर अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। खाद्य विभाग अधिकारी की टीम ने नगर के जोड़वा कुआं स्थित साधुराम हलवाई की दुकान पर छापेमारी की। दुकान पर CCTV कैमरे न लगे होने पर टीम ने नाराजगी जताई। फिर अधिकारियों ने दुकान में रखे खाने की सामग्री की जांच करते हुए 3 नमूने लेकर सैंपल भर प्रयोगशाला में भेज दिया गया। मनोज तोमर मुख्य खाद्य अधिकारी ने बताया कि SDM कैराना डॉक्टर अमित पाल शर्मा को सूत्रों ने जानकारी दी कि नगर में स्थित साधु हलवाई की दुकान पर मिलावटी खाने का सामान बेचा जा रहा है। SDM के निर्देशानुसार खाद्य विभाग अधिकारी टीम ने साधुराम हलवाई की दुकान से 3 सैंपल भर प्रयोगशाला में भेज दिए हैं। आगे की कार्रवाई सैंपल आने की रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी। SDM कैराना साहब को सभी सूत्र मिलावट की शिकायत मिल रही थी, उनके निर्देश पर आज खाद्य विभाग की टीम ने छापा मार कर 3 नमूने जब्त किए, जिसमें एक कमकीन का, एक श्रीनगर जिला और उन्होंने जाँच एवं छुटकारा लिए जा रहे हैं, उनको प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई संपादित की। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।